हर मोड़ पर दो रास्ते मिलेंगे, हर चुने हुए रास्ते पर कई कठिनाइयाँ आएंगी, हर कठिनाई के बाद भी तुम्हें मंजिल मिलेगी, हर मंजिल के बाद फिर एक नया सफ़र शुरू होगा, यही जीवन है। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, आसमान में उजाला है, चाँद दूसरी तरफ सामने की तरफ सूरज के निकलने का इंतज़ार है। इस शहर में आए 1 महीने होने में 2 दिन बाकी है, समय कैसे बीता पता नहीं चला, सब कुछ अच्छा था, बस एक दिन फ़ोन गिरकर फ़ोन टूट गया और दूसरे दिन पैर में चोट लग गई, बाकी सब अच्छा था। पढ़ाई अच्छी चल रही है, PCS का एडमिट कार्ड भी आ गया है, शायद ये लास्ट व्लॉग हो। अब PCS के एग्ज़ाम के बाद मिलूँगी और आप लोग विश कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा। एंड वन मोर थिंग, आप लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। तो चलो देखते हैं आज की सुबह मेरे लिए क्या लेके आई है। ब्रश कर लिया है और अब टाइम है गर्म पानी करने का, तो नीचे चलते हैं पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म हो गया है, इसको निकालते हैं और इसको लेके छत पे चलते हैं। बादाम नहीं भिगाया था क्योंकि चना ख़त्म हो गया है, तो बादाम और पानी लेके छत पे चलते हैं। साथ में ही योगा मैट भी लाया है, योगा करने से दिन बहुत अच्छा रहता है। योगा से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और योगा शुरू करने के पहले ओम की चैंटिंग एंड देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का एक फ़ायदा है, जिनको हेडेक होता है वो अनुलोम विलोम अपने योगा में शामिल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से हेडेक की प्रॉब्लम को राहत मिलती है। वॉक जितना ज़्यादा हो सकता है बस सुबह ही कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बस बैठे रहना है, शाम को भी ज़्यादा वॉक नहीं हो पाती। आज शाम मैं मंदिर जाने का सोच रही हूँ, देखो जा पाती हूँ या नहीं। इस टाइम मुझे बहुत सुकून है, मालूम है मैंने कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने सुकून को नहीं जोड़ा, लेकिन पिछले कुछ समय बहुत परेशानी में थे, बट अब अच्छा लग रहा है, कुछ रास्ता सा खुलता दिख रहा है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी आए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपका पेशेंस आपकी मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएगी। कोई भी परेशानी कुछ भी दिक्कत हो, पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, बट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल मैं खुद को कहूँगी। सूरज निकल गए हैं और आप अब यहाँ कुछ देर रुकें और इस सनराइज़ को देखें। अनदर डे विथ सेम रूटीन विथ सेम एक्साइटमेंट, तो चलें और अपना रिवीजन आगे बढ़ाएं। सुबह की ठंडी हवा, ये रोशनी और ये बुक मेरा पूरा दिन डिसाइड कर देती है कि कैसा बीतने वाला है। किसी दिन सुबह उठने का मन नहीं करता और लेट हो जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने कमेंट में बोला था, डेली डेली वही काम करती हो, बोर नहीं हो जाती? तो लिटरली बता रही हूँ, बोर नहीं होती। इवन जिस दिन ये रूटीन नहीं फॉलो होता उस दिन पूरा दिन दिमाग ख़राब रहता है। मैंने पहले भी अपनी ब्लॉग में बताया था, जब मैं घर पे थी और मैं सुबह अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पाती थी, उस दिन मेरे घर में कोई मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मुझसे बात करेंगे तो सिर्फ मैं उनको डांटूंगी ही, इस वजह से मेरे से बात नहीं करते थे। अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, तो योगा मैट फोल्ड करते हैं और नीचे चलते हैं। आज बहुत काम, तो
तो वो काम ख़त्म करते हैं और फटाफट से लाइब्रेरी चलते हैं और अपना स्लॉट फिनिश करते हैं, क्योंकि आज शाम को लाइब्रेरी से जल्दी आ जाना है। फ्लेक्स में मिल्क एंड सुगर ऐड कर दिया है और अब मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो ये साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई है। आई नो आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट इट्स ओके, मुझे ही खाना है। और इसमें मूंगफली ऐड करते हैं और इसका काम ख़त्म और बैग पैक करते हैं। सो हियर एवरीथिंग इज़ रेडी। बॉटल में थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और अब लाइब्रेरी चलते हैं। बॉटल में पानी डालने की एक फ़नी स्टोरी है, दैट इज़ कि अभी पिछले कुछ हफ्ते या फिर समझ लीजिए एक महीने पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स का न्यूज़ आ रहा था, और मुझे लिटरली बता रही हूँ मुझे स्ट्रे डॉग से बहुत डर लगता है। दैट्स वाई जब मैं ये बॉटल लेने भी गई थी तो मुझे जब ये बॉटल दिखा तो मुझे लगा कि ये बॉटल सबसे सही है। लाइब्रेरी में पानी आता है, लेकिन मैं इस बॉटल में पानी इस वजह से लेके जाती हूँ कि रास्ते में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं और मुझे स्ट्रे डॉग से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। मुझे लगता है वो किसी भी टाइम किसी के भी ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इस वजह से मैं बॉटल में थोड़ा सा पानी डाल के ले जाती हूँ, सो दैट मैं अपने बचाव के लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट रहे। क्योंकि एक बार मैं ऐसे जा रही थी तो प्रयाग स्टेशन पे मेरे ऊपर बंदरों ने बहुत बुरा अटैक किया था, बट वहाँ पे RPF वाले थे तो मतलब वो हेल्प किए एंड मुझे कुछ हुआ नहीं। बट तब से मेरा फोबिया और ज़्यादा बढ़ गया है और ये बॉटल एक अस्त्र शस्त्र की तरह मेरे काम आता है। लाइब्रेरी पहुँच के सबसे पहले एज़ यूज़ुअल एक टेस्ट दिया एंड देन फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और एक बात, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो तो, और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हो। कमेंट करके आप मेरे को बताओ कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, या फिर क्या है क्या नहीं। यू कैन टेल मी एनीथिंग, जो भी आपको लगे। और हाँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में ओनली 0.2 पीपल जो भी वीडियो देखता है उसमें से 0.2% पीपल चैनल को सब्सक्राइब किए हैं बस। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दो स्लॉट ख़त्म करने के बाद ऑलमोस्ट 11:45 पर चाय पीने गए थे और वहाँ से समोसा लेके आया था, तो वो भी खाया जा रहा है। खा खा के पढ़ने से एक चीज़ अच्छा होता है कि आप बहुत देर तक पढ़ सकते हो और आप थोड़ा बोर नहीं फील करते बिकॉज़ आप कुछ खाते रहते हो। तो जिसका पढ़ने में बैठ के पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता है वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा ज़्यादा वेट नहीं है और मेरा वेट बढ़ता भी जल्दी नहीं है, तो मेरे लिए ये फ़ायदा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो शाम को मैं वापस आ गई और यहाँ का वीडियो लिया। यहाँ पे पतंग उड़ रही है। एक्चुअली जब मैं पतंग उड़ते हुए देखती हूँ तो मुझे एक दिक्कत होती है कि इसके धागे से चिड़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। फिर मैंने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके शार लेके मंदिर गई। मैंने प्रसाद खरीदा था और जब मैं फूल लेने गई तो मैंने देखा कि उनके पास कमल का भी फूल था, तो मैंने बोला कि वो भी दे दें। और फिर मैं मंदिर आ गई और पंडित जी को बोला कि ये कमल का फूल भी चढ़ा दें। और फिर मैंने अपना प्रेयर ऑफर किया और मैं ये बोली कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतनी शक्ति मिली, कि मैं इतना सब कुछ झेल के और उसके बाद इस मुकाम पर हूँ, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं डेली सुबह शाम थैंक्स बोलती हूँ भगवान को कि थैंक यू भगवान इतना कुछ देने के लिए। फिर मैंने खाना बाहर ही खाया एज़ यूज़ुअल, और फिर प्रोटीन शेक के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है एंड।